छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों ने राज्य सरकार से 34% डीए की मांग की है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। अब राज्य सरकार वादा खिलाफी ना करे, इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की मांग को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पहले ये बताएं कि जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था उसका क्या हुआ। लगातार वो लोग डीए के मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार का 34% और राज्य सरकार 17%। कई मामलों में ये केंद्र सरकार की बात करते हैं कि हम उससे अच्छा कर रहे हैं, उससे अच्छा चला रहे हैं, लेकिन 20% डीए तक अभी नहीं पहुंची है छत्तीसगढ़ में। मोदी निर्मित महंगाई से देश का हर वर्ग परेशान है। शासकीय कर्मचारी हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, गृहिणी हो, छोटे व्यापार करने वाले लोग हो, रिक्शा चालक हो, सभी महंगाई से परेशान होता है।